हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। देखो, मैं संजय, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है एमएस क्लासेस बाढ़ में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि दसवीं बोर्ड की क्लासेस जो है वो चल रही होगी, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और आप स्कूल में अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो हमने क्या सोचा कि आपकी थोड़ी हेल्प की जाए, आपकी विज्ञान की, गणित की और सामाजिक की कुछ कक्षा लगा के आपके कुछ मोस्ट जो क्वेश्चन है वो आपको बता के आपकी थोड़ी हेल्प की जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपके शुरुआत करेंगे विज्ञान की। मैं आपको विज्ञान पढ़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करते हैं विज्ञान की, सिलेबस की बात करते हैं। देखो, तो सिलेबस जो है ये सबसे पहले अपन किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसका पहले सिलेबस, यानी कि अपन क्या क्या पढ़ेंगे, वो जो मटेरियल है वो अपने को पहले पता होना चाहिए। अगर ये अपन को पता है ना तो आगे अपन एक एक चीज को पढ़ेंगे वो आपके अपने क्लियर होगी। देखो, सबसे पहले बात करें कि जो सिलेबस है, तो विज्ञान का पेपर होगा वो आपके जो पूर्णांक होगा वो कितना होगा, 80 नंबर का पूर्णांक होगा। आपको समय दिया जाएगा परीक्षा में 3:15 घंटे, 3:15 आपको घंटे दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखो, सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले विज्ञान यानी कि साइंस में अध्याय जो एक है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, ये आपका है टोटल 4 नंबर का। इससे आपके 2 प्रश्न आएंगे, एक आएगा 1 नंबर का छोटा प्रश्न और एक आएगा 3 नंबर का, यानी कि 2 प्रश्न आएंगे टोटल 4 नंबर का, ओके। अब इस पाठ में आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी कि भोजन, अपन भोजन किस प्रकार से करते हैं, अपना स्वास्थ्य किस प्रकार का है, क्या क्या बीमारियां होती है, वो थोड़ी सी इसके अंदर जानकारी दी हुई, मैं आपको आगे सुपर डिटेल में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा सिलेबस देख लो। दूसरा अध्याय है अध्याय नंबर 2, मानव तंत्र। अब इसके अंदर अपन देखेंगे कि मानव के अंदर जो भी तंत्र है, सारे तंत्र है, 9 प्रकार के तंत्र होते हैं, तो उस 9 प्रकार के तंत्र है, तो ये आपका पार्ट है 5 नंबर का। इस पार्ट से आपके 5 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा। तीसरा पार्ट है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी जो है ये आपके 4 नंबर का पार्ट है, यानी कि एक छोटा प्रश्न आएगा और दो बड़े क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर के, ठीक है। तो ये आपका हो गया आनुवंशिकी। चौथा पार्ट है प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, ये जो है आपके 3 नंबर का पार्ट है। इस पार्ट से छोटे छोटे यानी कि एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। अगला पार्ट है दैनिक जीवन में रसायन, ये आपके 3 नंबर का पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर भी एक आगे छोटा प्रश्न, छोटे प्रश्न भी आते हैं इसके अंदर और बड़े प्रश्न भी, 3 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है। अगला पार्ट है छठा, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, इसके अंदर आपके एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, ठीक है। अगला पार्ट है परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का वर्गीकरण, ये आपके 5 नंबर का पार्ट है और इसके अंदर आएंगे छोटे छोटे प्रश्न, लेकिन वो 5 नंबर का होगा, यानी कि बड़ा प्रश्न आएगा वो प्रश्नों में डिवाइड होगा। जैसे कि एक प्रश्न है, इस प्रश्न के अंदर अ करके दिया हुआ एक प्रश्न और ब करके दिया हुआ होगा दूसरा प्रश्न और स करके दिया हुआ होगा तीसरा प्रश्न, और इसी प्रश्न के अंदर आपको अथवा में भी ये प्रश्न आएगा, यानी कि 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन अथवा में भी आएगा। अगला पार्ट है कार्बन एवं उसके यौगिक, ये पार्ट आपके 4 नंबर का पार्ट है, ओके। अगला है प्रकाश, यानी कि प्रकाश, विद्युत धारा और कार्य ऊर्जा शक्ति, ये आपके फिजिक्स के पार्ट है तीनों, और ये तीनों ही पार्ट बड़े बड़े हैं, इसको अच्छे से पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, एक एक चीज बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रकाश जो है ये आपके 5 नंबर का पार्ट है, इसके बाद विद्युत धारा, ये भी 5 नंबर का पार्ट है, और कार्य ऊर्जा शक्ति, ये भी 5 नंबर का पार्ट है, यानी कि इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे, अथवा में भी आएगा प्रकाश से, विद्युत धारा से, अथवा में भी क्वेश्चन आएंगे। आगे देखो, 12वां पार्ट है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, यानी कि इस पार्ट से, यानी कि ये पार्ट जो है आपका 4 नंबर का पार्ट है, ठीक है। 13वां पार्ट है अपशिष्ट एवं प्रबंधन, ये आपका 3 नंबर का पार्ट, यानी कि एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। अगला पार्ट है 14वां, पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व, ये आपके 5 नंबर का है, यानी कि इसमें 2-3 प्रश्न आएंगे और डिवाइस में होंगे, यानी कि 5 नंबर के टोटल प्रश्न आएंगे। अगला पार्ट है पृथ्वी की संरचना, ये आपके 3 नंबर का है, 1 प्रश्न आएगा आपके, 3 नंबर का ये टोटल पार्ट है। 16वां पार्ट है ब्रह्मांड एवं जैव विकास, ये भी 3 नंबर का पार्ट है, यानी कि जो बाद में जो पार्ट है छोटे छोटे है, एक एक दो दो प्रश्न इस सब पार्ट में से आते हैं। अगला है भारतीय वैज्ञानिक, 18वां पार्ट है भारतीय वैज्ञानिक, इनका परिचय आता है, ये एक एक नंबर का पूछ सकता है, 2 नंबर का पूछ सकता है, ये आपके टोटल 3 नंबर का पार्ट है। अगला है 19वां पार्ट जैव विविधता, ये आपके 5 नंबर का पार्ट है, ये इसमें आपसे 2 या 3 प्रश्न पूछेंगे, या पूछ सकते हैं 2 नंबर का, या पूछ सकते हैं 3 नंबर का, 2+3 यानी कि 2 प्रश्न पूछ सकते हैं 5 नंबर के। और अगला है ये कंपल्सरी है, सब सब्जेक्ट में आता है, सड़क सुरक्षा शिक्षा, और इसमें 3 नंबर का 1 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यानी कि आपकी खुद की नॉलेज क्या है वो इसके अंदर आपको लिखनी है। जैसा कि ये है आपका पूरा सिलेबस विज्ञान का।
अब ये अपन जो सिलेबस तो बता दिया, चलो ठीक है, अब इन टॉपिकों को एक एक करके अपन आराम से पढ़ेंगे। जो चीज आपको समझ में नहीं आती है वो आप कमेंट के नीचे आप बताना, ठीक है, उसका पूरा सोल्यूशन आपको बताया जाएगा। और प्लीज इस चैनल को आगे से आगे सब्सक्राइबर करना, शेयर करना, शेयर करोगे तभी तो आगे आपका काम हो पाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अपन कल अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, यानी कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, अध्याय फर्स्ट के बारे में, जो भी मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन बनेंगे वो आपको बताएंगे, ठीक है, ओके, धन्यवाद।